हेलो गाइस, कैसे हो सब आप। स्वागत है आपका मेरे नए चैनल में। तो आज की हमारी व्लॉगिंग है गाइस, इवेंट्स फोर, वेडिंग सीजन फोर। आज का हमारे वीडियो है गाइस, वेडिंग सीजन फोर। तो गाइस, आज भी मैंने वही काम किया है जो इससे पहले मेरे थ्री सीजन में काम किया था। बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा नाम हुआ है, काफ़ी लोग तारीफ किए खाने की और काफ़ी यहाँ से ऑर्डर भी मेरे को निकला है। तो गाइस, मैं आपको आगे बताता हूँ, ये भी इनका जितना भी इनका बजट था वो भी सब मैं आपको इसमें बताता हूँ वीडियो में। आपको मैं आगे की वीडियो बताता हूँ आज इनके लिए मैंने क्या क्या मेन्यू में रखा है। ओके गाइस, कम मैं इनके लिए रखा था, इसका नाम है हरा भरा चटनी कबाब। ये देखिए इसकी क्वालिटी, देखिए ये देखिए, इसके अंदर चटनी पूरी, इसकी चटनी पूरी मेल्ट हो चुकी है। और कबाब की साइज़ भी देखिए, ये देखिए कबाब का साइज़ देखिए। ये बनने के बाद इतना पतला रहता है, जब बन जाता है तो इतना ये थिकनेस होता है। इसको भी बहुत तारीफ सुना है ये चीज़ की मैंने, ये कुछ नया मैंने किया है। वैसे तो हर फंक्शन में मैं कुछ ऐसा नया ही करता हूँ, मैं हमेशा वही नहीं खिलाता हूँ। इससे पहले मैं जो रखा था वो चटनी कबाब था, अब ये चटनी कबाब को और कुछ किए मैं, हम लोग ने इसमें एक हरी भाजी मिला है, एक ग्रीन सी भाजी हम लोग ने इसमें मेल्ट की है, तो वो वजह से इसका भी टेस्ट बहुत बड़ा है। बहुत खाए, देखो साइज़ देखिए इसका, आपको आगे का स्टार्टर बताता हूँ। ये देखिए, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टार्टर है हमारा, ये देखिए, ये है ड्रम स्टिक, ये देखिए ये ड्रम स्टिक है। ये प्योर दूध से बनता है, प्योर क्वालिटी का मसाला है और थिकनेस, और इसके अंदर जो मसाला मेल्ट किए ऐसा तारीफ किए पब्लिक खा के एकदम। ये देखिए पूरा फंक्शन पूरा एकदम कंप्लीट हुआ है मेरा। ये देखिए, ये भी शूट लास्ट में करने मिला है मुझे, पहले से करना चाहता था, ये भी शूट इसका लास्ट में करने मिला है, क्योंकि इस वजह से कि आज भी मैनेजमेंट पूरा मुझे ही संभालना पड़ा। काफ़ी लोग रखा था काम के लिए, लेकिन वो इतना मैनेज नहीं कर पाए जितना मुझे लोग बुलाए, यहाँ भाग वहाँ भाग, बहुत अच्छा काम करके दिया। ये देखिए गाइस, ये स्पाइसी है, मीठा नहीं ऐसा लग रहा है, वो दूध से बना हुआ है, लेकिन इसमें मसाला जो वो स्पाइसी मसाला है, आपको मैं आगे का स्टार्टर बताता हूँ। आइए, ये थर्ड स्टार्टर, इसके लेग पीस की साइज़ देखो, इसको भी हम लोग इसमें भी ये मसाले में मेल्ट करने वाले, इसकी भी अभी तारीफ सुनना बाकी है। अभी तक तो कोई बाराती को गया नहीं, ये लास्ट का जो दूल्हा दुल्हन का टेबल है ये उसमें जाने वाला है ये गाइस। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है। ऐसे तो हम लोग होटल में जो खाते हैं वो नॉर्मल रहता है, उसका मसाला नॉर्मल रहता है, इसकी जो मसाले की क्वालिटी है ये भी जैसे मैंने आपको बताया, ये भी अच्छी क्वालिटी का मसाला यूज़ किया हम लोग ने। अभी इसकी तारीफ भी बाकी है जो सुनना, अभी लास्ट जो दूल्हा दुल्हन का टेबल है। आइए मैं आपको ग्रेवी का थिकनेस बताता हूँ। ये देखिए गाइस, ये है लाहौरी कोफ्ता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी तीन वीडियो में, कम से कम मैं 5 से 6 ग्रेवी लेकर आता हूँ, उसमें से लोग को यही पसंद आता है। ये देखिए ग्रेवी का कोफ्ता देखिए, और ग्रेवी का थिकनेस देखिए। मैं जैसे आपको बताया था ना, हम लोग वाटर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, प्योर मसाले में काम करते, तभी इसका थिकनेस का इतने तारीफ मिली है लाहौरी की, दिल खोल के दिल भर के खाए लोग। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था इसमें गोश्त बोटी की साइज़ भी है और कोफ्ते की जो साइज़ है वो भी हम लोग ने रखे, और इसमें शिमला मिर्ची भी कांदा है वो हम लोग ने इसमें खाली उसमें वो भी इसके अंदर पीस के डाले है। बाकी जो कोफ्ते का साइज़ है ये देखिए, कोफ्ते का पैटर्न जो देखिए, गोश्त छोड़ के पब्लिक खाली कोफ्ता खाइए पेट भर के। आपको मैं दूसरी ग्रेवी बता दूँ, आइए कट। और ये बटर चिकन, ये भी जो हम लोग ने अभी लेटेस्ट पैटर्न में बनाया है, ये बटर चिकन जो है इसकी जो गोश्त की जो थिकनेस है, हम लोग ने साइज़ जो रखा है इसकी मोटी मोटी साइज़ रखा है। ये देखिए, पहले जितने भी हम लोग ने साइज़ रखे थे वो सब छोटे छोटे थे, कोई रेशा था, कोई सिल्की जैसा था, कोई हल्का जैसा था। अभी जो हम लोग ने रखे बोटी की जो साइज़ रखे चिकन की, ये देखिए एकदम मोटी साइज़ रखे, और इसका जो टेस्ट है एकदम चटपटा है। इसका भी जो क्वालिटी का जो मसाला है, जैसा मैंने आपको पहले भी जितनी भी अभी मेरी तीन जो इवेंट्स उसमें मैंने बताया था, वो नॉर्मल जो मसाले में बनता है वैसा नहीं, ये अच्छी क्वालिटी के मसाले में बनता है, तभी पब्लिक दिल खोल के खाइए। ये भी माशाल्लाह आपकी दुआ से, आपके सपोर्ट से ये भी मेरा इवेंट बहुत अच्छा गया है। बहुत तारीफ सुनाओ मैंने, इतनी तारीफ सुनाओ क्या बोलो आपको। मैंने आपको कहा था ना, काम ऐसा करो, नाम ऐसा होना चाहिए, पब्लिक खा के याद करना चाहिए, मुझे बुलाना चाहिए काम के लिए। भाई इतने कम बजट में आप इतना अच्छा प्रोवाइड कैसा करके दे रहे,
आपको मैं और एक सरप्राइज बताता हूँ, आइए कट करते हैं। हमारा जैसे मैंने आपने इससे पहले जो बताया था दाल और चावल रखे थे हम लोग ने, तो अब ये इसमें दाल चावल नहीं, इसमें कुछ लेटेस्ट रखा है। ये देखिए, ये है लखनऊी पुलाव, ये देखिए इसमें है, इसमें है सीख, ये देखिए इसके अंदर मसाला, देखिए इसके अंदर है सीख और बोटी, और ये देखिए ये जो चना आता है ना वाइट वाला, ये देखिए ये जो काबुली चना है ना ये डाले हम लोग ने, इसमें इसकी थिकनेस देखिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए काबुली चना, ये काफ़ी बहुत दिल खोल के खाइए पब्लिक, हम लोग ने एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बनाया, ख़त्म नहीं होना चाहिए लोगों के पास ही। ये देखिए इसके अंदर क्वालिटी देखिए, इसके अंदर मेल्टिंग देखिए, ये देखिए गोश्त भी है इसके अंदर, सीख भी है और काबुली चना भी है। ये भी खा के पब्लिक इतनी तारीफ की है। दाल चावल जैसे मैं हर एक मेरे 3 इवेंट्स में रखा था दाल चावल, उसकी डाले हम लोग ने, ये काफी देर तक गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी थिकनेस भी होती चाहिए, और ये ज़्यादा करके देखो अब ये तेल में बनाए तो इसमें तेल दिखेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि तेल लेस जाए लोगों के पास, तेल कम खाने में मिले लोग को, तो वो खास करके हम लोग ध्यान देते हैं, इसको फॉइल पेपर में लपट के हम लोग जितने भी बारात हैं उनको दिए, काफ़ी खा के दिल खोल के खाइए पब्लिक, दिल खोल के तारीफ किए। आपको मैं आगे के एक प्यारी सी डिश बता दूँ, आइए बटर चिकन, उसकी क्वांटिटी उसकी क्वालिटी देखिए, ये देखिए थिकनेस देखिए इसके अंदर, मैं आपको जैसे बोला था ना ये है मसाले में, प्योर मसाले में, ये देखिए क्वालिटी देखिए इसके अंदर, चिकन के पीसेस देखिए कितना खाएंगी पब्लिक, इसके अंदर की जो स्मेल आ रही ना वो सब स्मोक आ रहा है, स्मोक किस चीज़ का आ रहा है, कोयले का, कोयले का खास करके हम लोग ने इसमें काम किया है, तभी इसकी इतनी तारीफ हुई, इतना खाए पब्लिक, इसका भी मैं अभी खाने का वेट कर रहा है कि और पब्लिक इतना देखो कितना अच्छा माशाल्लाह बना, एकदम कितने अच्छे से बना है। और मैं आपको और एक ग्रेवी बताता हूँ, ये देखिए ये है लाहौरी, जैसा मैंने आपको बताया था लाहौरी, ये देखो कोफ्ते का साइज़ देखो इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर भी हम लोग ने भर भर के कोफ्ता बताया, इससे पहले भी मैंने जो आपको ग्रेवी बताया था वही ग्रेवी है, खाली मैं आपको डेट बता रहा हूँ कि इतनी पब्लिक खाने के बाद भी इतना माशाल्लाह हमारे पास खाना बचा है, और पब्लिक को खिलाने की हमारे अंदर ताकत है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि और लोग आए खाने के लिए, लेकिन अभी भी इस पर कोई नहीं आ रहा है। इन लोगों का जितना इवेंट्स है उससे हम लोग ने ज़्यादा ही काम करके दिए, काफ़ी नाम हुआ है, काफ़ी तारीफ किए लोगों ने, और ये लाहौरी है और ये बटर चिकन का तो एकदम धमाल हो गया है। मैं आपको एक और डिश बताता हूँ, आइए दुल्हन के लिए सरप्राइज रखने वाले वो ये देखो, ये भी हॉट है, भी इसको गर्म करके निकाले हम लोग, ये देखिए स्टार्टर की क्वालिटी और क्वांटिटी देखिए, स्टार्टर का जो जो टेक्सचर है ना, टेक्सचर कितना खूबसूरत है, ये देखिए ठीक है, ये लेग पीस है, इसको भी हम लोग अभी नए पैटर्न में बना के दूल्हा दुल्हन के पास पेश करेंगे। वो ये हमारे जितने भी काम करने वाले बंदे लोग, ये लोग काफ़ी मेहनत करे, ये लोग काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं तेल के सामने खड़के, इतना गर्म हो रहा है बाहर साइड में, फिर भी इन लोग अपने काम से हट रहे नहीं है, इतना कंप्लीट काम किए। ओके गाइस, चीज़ हम लोग ने इन लोग के लिए रखा था वो है आइसक्रीम, ये है कुल्फी फालूदा, ये देखिए क्वालिटी देखिए, ये भी है कसाटा, इसको हम लोग कसाटे में बनाते हैं, जैसा हमारी कंपनी आइसक्रीम, जैसा हमारी आइसक्रीम कंपनी से आते हैं, हम लोग कसाटे में बनाते हैं, कोई भी ऐसी नॉर्मल हम लोग आइसक्रीम नहीं बनाते, तभी ये भी पिघलती नहीं है, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, इसके अंदर जो अभी देखो ये भी पूरा ख़त्म हो चुका है, ये देखो इतना बचा हुआ है, लेकिन हम लोग लास्ट तक ध्यान दे रहे हैं, ख़त्म नहीं होना चाहिए ये, इतना जो ये भी लास्ट में दूल्हा दुल्हन को ये भी चीज़ कवर होना चाहिए, ये देखो। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया ये वेडिंग सीजन 4 मेरा कंप्लीट किया हूँ मैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, काफ़ी लोग तारीफ़ किए, जैसा मैंने आपको ये वर्ड मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, आपको भी अगर आपका इवेंट्स करवाना है तो गाइस मैंने इतना अच्छा कंप्लीट किया, इतनी तारीफ़ सुनाई मेरे खाने की। गाइस मैंने जैसे आपको बोला था ये वेस्टर्न फूड है, ये कोई नॉर्मल फूड नहीं है, पूरा ग्रेवी पूरा थिकनेस, जैसे मैंने 3 अपने इवेंट्स कंप्लीट किए वैसे भी ये भी इवेंट्स बहुत कंप्लीट किया मैंने, बहुत तारीफ़ सुना है, बहुत लोगों से नाम सुना है, काफ़ी लोग हाथ मिला है, काफ़ी लोग का ऑर्डर भी यही काम से निकला है। तो मैं गाइस जैसे आपको मैं बोला था ना, काम ऐसा करो नाम ऐसा करो कि लोग याद रखे, जैसा इनका जिनका मैं इवेंट्स रखा था वो बहुत तारीफ़ किए, बार बार आगे हाथ मिला रहे थे मुझसे, यही बोल रहे थे कि खाना बहुत अच्छा था, सब तारीफ़ किए, सब दिल खोल के खाए खाना एकदम, बच्चे से लेके बड़े तक। ओके गाइस, तो आपको ये अगर आपको ये इवेंट्स करवाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, अपना पूरा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर सब डाल लूँगा। गाइस आपको इवेंट्स करवाना है, आपके पैसे बचाना है, तो गाइस मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको अच्छे से अच्छा खाना करके दूंगा, इससे अच्छा भी करके दूंगा आपको, जैसा आपको चाहिए, जैसा आपकी चॉइस है वैसा आपको मैं खाना करके दूंगा गाइस। ओके गाइस, तो गाइस मैं वीडियो आज की यही एंड करता हूँ गाइस, शुक्रिया आपका, थैंक्स आपको ये वीडियो देखने का। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओके गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।